एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ये वाला पूरा डिज़ाइन बनाएंगे। ये बहुत छोटा सा डिज़ाइन है और आप चाहे तो इसे कुशन कवर, पिलो कवर बना सकते हैं या फिर कहीं के सूट पर भी बना सकते हैं, नेक डिज़ाइन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ वन फ्रेम डिज़ाइन है ये। तो ये मैंने टर्किश ब्लू कलर लिया है, ये पर्ल कलर है टर्किश ब्लू। और पर्ल कलर में आप जानते हैं ये शाइनिंग होती है, ग्लिटर में होते हैं कलर। तो इसे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, इसके बेस वगैरह इसमें यूज़ नहीं करते हैं, वरना इनकी शाइन चली जाती है। इसलिए यहाँ लीफ बना रही हूँ इससे, ये वाली वन साइड की, और सारी ही टर्किश ब्लू इसी कलर से बन जाएगी कंप्लीट वैसे ही। और अब इसके बाद मैंने ये भी ग्लिटर में है, और ये वाले कलर में भी आप येलो कलर है ये, वैसे गोल्डन कलर भी आता है बट ये येलो कलर है। और येलो कलर से मैं बिल्कुल बीच की लाइंस बनाऊंगी बहुत लाइट करके, ये इस तरह से, और ये सारी ही लीफ बना दूंगी। और उसके बाद मैं इन लीफ की आउटलाइन भी करूंगी, तो ये कॉफ़ी कलर से आउटलाइन होगी। आप चाहें तो आउटलाइन करें या बिना आउटलाइन की भी बहुत अच्छी लगती है ये, ज़रूरत नहीं होती बट आउटलाइन करने से थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है। तो ये मैंने कॉफ़ी कलर से आउटलाइन की, थोड़े सेपरेट कलर से की है। आप चाहें तो डार्क ब्लू से भी कर सकते हैं आउटलाइन, क्योंकि जो ग्लिटर कलर होते हैं वो अपने आप में बहुत लाइट होते हैं, तो इनमें तो वाइट कलर करने का कोई चांस ही नहीं होता। वाइट करी ही मत, वाइट से बहुत गंदा सा लगता है ये कलर। कलर अपने आप में जो इसका कलर है वो अलग हो जाता है फिर। तो अगर आप चाहते हैं तो उसके साथ डार्क कलर लगा सकते हैं। अब मैंने आउटलाइन की, हाँ आउटलाइन के बाद शेड मत कर देना इससे, क्योंकि जो ग्लिटर कलर होते हैं उन पर ना तो शेड होता है और ना ही वाइट कलर होता है, ये बात हमेशा याद रखना। और नेक्स्ट यहाँ पर ये ऑरेंज कलर है, तो ये भी शाइनिंग है, मतलब ग्लिटर का ही है ये वाला भी। तो यहाँ मैंने इसे भी डायरेक्टली अप्लाई करूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ कि इस डार्क पिंक पर कौन कौन से कलर अच्छे लगते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ब्लू, तो वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, टर्किश ब्लू काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ऑरेंज मुझे नहीं लग रहा कि इतना अच्छा लग रहा है। बट अब मैंने लगा दिया तो मुझे पूरा करना पड़ेगा, ऑरेंज मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। चलिए देखते हैं इसमें लाइट कलर करके, ये लाइट है और इसका नंबर देख लेते हैं, फ्लैश टिंट 130 है। ये भी ऑरेंज से होता है बट ये सिंपल है, देखिए सिंपल के साथ मैंने वाइट, मतलब ये कलर लगाने के बाद शेड हो गया तो कितना गंदा सा लग रहा है ये, बट कोई बात नहीं, बाद में इसे ऑरेंज कर दूंगी। अब फिलहाल हो गया है ये, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं अब हम फ्लावर। तो नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे कलर ख़त्म हो गए इस कलर के लिए। रेड नहीं लगा सकते इसमें हम, पिंक नहीं लगा सकते इसमें हम, कौन सा लगाएं, मैरून, हाँ जो फिर मैं मैरून ट्राई करती हूँ, है ना। सारे कलर वैसे तो ऑलमोस्ट मेरे पास, क्योंकि सभी में रेड वगैरह होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने ये मैरून कलर लिया है, और मैरून कलर से मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँगी। ये भी मैंने वाइट कलर नहीं लगा रही हूँ, आप चाहें तो वाइट कलर कर सकते हैं बट मैं इसका थोड़ा सा वाइट से ऊपर से शेड करना चाह रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट डार्क कलर होता है तो डार्क कलर पर लाइट कलर का शेड अच्छा लगता है। इसलिए तो पहले मैं डार्क कलर पर डार्क कलर लगाने के बाद अब मैं वाइट कलर का शेड दे रही हूँ। तो शेड से मतलब है हल्की सी आउटलाइन करके, बहुत हल्का सा, ये 0 नंबर का ब्रश है, तो आप 0 नंबर का ब्रश ही लें इसके लिए, आउटलाइन वगैरह के लिए, अगर आप अच्छे पेंटर नहीं हैं तो, वरना आप फ्लैट ब्रश भी कर सकते हैं आउटलाइन। मैं कभी कभी वही यूज़ करती हूँ बट कभी कभी, मोस्टली मैं 0 नंबर के ब्रश से ही आउटलाइन करती हूँ, बट जब ये नहीं होता मेरे पास, ये ख़राब हो जाता है तो उसी से यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से पहले पूरा फ्लावर बना लेंगे हम। एक्चुअली मैं आप स्लो में बनाने लगी हूँ, शायद आपको सही समझ आ जाए। पहले मुझे ये कहते थे कि बहुत ज़्यादा जल्दी आप वीडियोस को भगा देती हैं तो समझ नहीं आता, तो आई जस्ट होप अब आपको समझ आ जाए। तो अब पूरा मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि पूरा ही फ्लावर है ये, किस तरह से आउटलाइन करते हैं। अब बस 0 नंबर के वाला ब्रश होता है, इसमें एक प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी कलर ख़त्म हो जाता है इस वजह से, और हम नेक्स्ट कलर लेते हैं वो थोड़ा मोटा कलर आता है, तो इसे करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। आप फ्लैट ब्रश यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा कि फ्लैट ब्रश में कभी ख़त्म कलर ख़त्म नहीं होता, उसके अंदर रहता है। और 0 नंबर ये वाला जो गोल ब्रश आते हैं इनमें बहुत जल्दी कलर ख़त्म हो जाता है।
तो ये आप चाहें तो वाइट शेड करें, वरना तो इसे आउटलाइन ही रहने दे। तो मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, इसलिए मैंने वाइट शेड करके देखा कैसा लग रहा है। ठीक लग रहा है, अब बिना शेड के भी अच्छा लगता। और ये है पर्पल कलर, तो पर्पल कलर है ये, इसे भी मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। ये भी शाइनिंग में है हल्का, तो बस पर्पल कलर भी अच्छा लग रहा है इस पर, बट इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना अच्छा लगना चाहिए। और मैरून कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑरेंज का तो आप देख सकते हैं कितना बुरा लग रहा है ऑरेंज, तो ऑरेंज कभी ट्राई ना करें। पिंक कलर पर, डार्क पिंक पर, एक्चुअली डार्क पिंक कलर के कपड़े पर आप कभी ऑरेंज कलर ट्राई ना करें। पर्पल, लाइट पर्पल ना करके आप डार्क पर्पल के साथ इसे मिक्सअप करें, जैसे कि डार्क का आउटलाइन अब मैं कर रही हूँ वैसे ही। तो ये वाला फ्लावर भी ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बनाते हैं लीफ इसकी। तो लीफ के लिए यहाँ मैंने लिया है लेमन येलो। ओके, तो लेमन येलो कलर से मैंने पूरा पोर्शन पहले का पूरा पोर्शन अप्लाई कर दूंगी। वो यहाँ पर भी मैंने डार्क ही पूरा कलर अप्लाई किया है, इसमें कोई वाइट बेस नहीं है। हाँ, वाइट करूँगी बाद में करूँगी इसे, तो पहले अच्छे से फिल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ फिल होने के बाद, इसके बाद मैं यहाँ पर लेमन येलो के बाद ग्रीन कलर करूँगी। वो वाला लाइट ग्रीन कलर है, तो लाइट ग्रीन से पहले सेंटर में लाइन होगी, फिर एक साइड में आउटलाइन होगी, और उसके बाद हल्का हल्का तो शेड होगा ये इस तरह से, और एक साइड से इस तरह से। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब मैंने वाइट कलर लिया है। आप जब भी वाइट लें, या तो नेक्स्ट ब्रश लें या पानी से धो कर लें। अगर आपने पानी में ब्रश धोया है तो आप उसी कपड़े से, टिश्यू पेपर से पहले साफ़ कर लें एक्स्ट्रा वाटर उसका, उसके बाद ही अप्लाई करें, वरना वो पानी बहुत गंदा लगता है जो कलर के बाद निकल जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो फ्लैट ब्रश होता है वो कलर को अपने अंदर सोख करके रखता है, वो ख़त्म नहीं होने देता। अब नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे, इसे फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये लाइट स्काई ब्लू कलर लिया है, और फिर डार्क स्काई ब्लू कलर से कि आउटिंग करके हल्का हल्का शेड दे देंगे, क्योंकि ब्लू कलर आई थिंक इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑरेंज इतना अच्छा नहीं है, रेड कलर भी इस पर चमक बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और पिंक कलर तो दिखेगा ही नहीं इस पर। और मेरे पास मोस्टली वही कलर है जो रेड से कनेक्ट होते हैं, मतलब रेड की फैमिली के होते हैं। तो डार्क पिंक मुझे कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया, इस कपड़े पर कोई कलर अच्छा ही नहीं लगता है। आप डार्क पिंक कलर कपड़े करना चाहती हैं तो आप ब्लैक कलर से करें, ब्लैक कलर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज आप देख सकती हैं कि आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, तो आप उस कलर से भी कर सकती हैं। मुझे तो पर्सनली कहूँ तो ब्लू कलर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। आप ट्राई करें तो ब्लू या ब्लैक, दो कलर इससे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, येलो कलर भी अच्छा लगता है। आप येलो से लीफ बना ले, ब्लैक से फ्लावर बना ले, और ब्लू ब्लैक से फ्लावर बना ले, तो दोनों कलर बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।